5.10 में फॉर्मूला है कि dy ओवर dx बराबर dy ओवर dt भाग dx ओवर dt होता है, ठीक है। या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि dy ओवर dt और भाग की जगह गुणा का निशान dt ऊपर और dx नीचे, जैसा कि आपने पहले भी पढ़ा है, ठीक है। तो ये हमारा मेन फॉर्मूला है और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आपको बिल्कुल समझ में नहीं आया होगा, ये आपको सवाल से क्लियर होगा, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूँ सवाल कैसे आएगा। ओवरऑल देखिए सवाल कुछ इस तरीके से आएगा कि x बराबर आपको कुछ वैल्यू यहां पर दी जाएगी, ठीक है। वैल्यू यहां पर t के टर्म में होगी, 99% क्वेश्चंस में वैल्यू यहां पर आपकी t के टर्म में होगी। t के टर्म में ना होकर किसी और के टर्म में हो तो वो मैं ही बताऊंगा, ठीक है। तो x बराबर आपको कुछ वैल्यू दे दी जाएगी, 90% आसार है कि वो कम से कम किसके t के टर्म में होगी, और साथ में आपको y बराबर भी एक वैल्यू दी जाएगी, ठीक है। तो मेन सवाल का तरीका यह है कि x बराबर आपको कोई वैल्यू दे दी जाएगी इस तरीके से, और ऐसे ही y बराबर एक वैल्यू दे दी जाएगी, और जिसके टर्म में ये होगी इसी के टर्म में ये होगी। टर्म से मतलब है कि x, अगर मान लीजिए x बराबर है ए टी स्क्वायर, तो ये जो y है ये भी t के टर्म में ही होगी, जैसे कि 2at या 5at या sin t, इस तरीके से होगी, ठीक है। तो आपको x बराबर एक वैल्यू दे दी जाएगी t के टर्म में, या किसी और के में भी हो सकती है। तो ऐसे ही आपको एक y बराबर भी वैल्यू दे दी जाएगी, वो भी इसी के टर्म में होगी जिसके टर्म में x होगी, ठीक है। सिंपल से कहने का मतलब ये है सीधे शब्दों में कि आपको x बराबर एक वैल्यू दी जाएगी, y बराबर आपको एक वैल्यू दी जाएगी। इसका अवकलन आप अलग कर देंगे, इसका आप अवकलन अलग कर देंगे। मैं फिर से बोलता हूं, x बराबर एक वैल्यू दी जाएगी, y बराबर एक वैल्यू दी जाएगी, इसका अवकलन एक साइड में अलग कर लेंगे, इसका अवकलन एक साइड में अलग कर लेंगे, ठीक है। जो y वाला अवकलन आपने सॉल्व किया होगा उसके नीचे इसका भाग लगा देंगे, बात खत्म। सिंपल सी बात यह है, ये फॉर्मूला वगैरह ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, उसे छोड़ दो आप, सिंपल में याद रखो x बराबर एक वैल्यू दी जाएगी, y बराबर एक वैल्यू दी जाएगी, दोनों का अलग अलग सेपरेट अवकलन करना है। अवकलन दोनों का सेपरेट करने के बाद में y के अवकलन की जो वैल्यू निकल करके आएगी उसमें x का भाग लगा दोगे, जो आपने x का अवकलन किया होगा उसका भाग लगा दोगे, ठीक है। इसे करने के लिए मैं आपको समझाता हूँ सीधे सीधे से, अब इसे समझाना शुरू करता हूँ कैसे। जैसे कि मान लीजिए आपको x बराबर एक वैल्यू दे दी गई ए टी स्क्वायर, और y बराबर आपको वैल्यू दे दी गई 2at। बेसिकली ये मैंने आपका एग्जाम्पल 2 लिया है, ठीक है। आप लोगों को समझाने के लिए ये मैंने आपका एग्जाम्पल नंबर 2 ले लिया है। इस सवाल में पूछा गया है dy ओवर dx और साथ में इसका dy ओवर dx का स्क्वायर, ठीक है। तो ये दो चीजें पूछी गई हैं, ठीक। स्क्वायर वाला को भी आप छोड़ो, इस पे ज्यादा दिमाग मत लगाओ, सीधे dy ओवर dx पे आ जाओ, आप सीधे कॉन्सेप्ट समझो पहले। तो x बराबर एक वैल्यू दी गई है, y बराबर एक वैल्यू दी गई है, ठीक है। और पूछा क्या गया है, dy ओवर dx पूछा गया है। मैंने क्या कहा था आपसे कि आपको x बराबर एक वैल्यू दे दी जाएगी, y बराबर एक वैल्यू दे दी जाएगी, और आपसे dy बटे dx पूछा जाएगा। अब इसका अवकलन एक साइड में अलग करेंगे, इसका अवकलन एक साइड में अलग करेंगे, इसका जो अवकलन निकल करके आएगा उसमें इसका लगा दें, इसके अवकलन का भाग लगा देंगे। अब आप सवाल में पॉइंट बाई पॉइंट समझेंगे। तो x बराबर हमें एक वैल्यू दी गई है, किसके टर्म में है, ये t के टर्म में है। y बराबर किसके टर्म में है, t के टर्म में है। ये बात याद रखिएगा कि यहां पर अगर ये t के टर्म में है तो यहां पर भी ये t के टर्म में ही होगी, ठीक है। कोई परेशान होने वाली बात नहीं, t के टर्म में ही आएगी, ठीक। तो सिंपल सी बात है, x बराबर हमें एक वैल्यू दी गई है, y बराबर हमें एक वैल्यू दी गई है, इसी तरीके से वैल्यू दी जाएंगी और पूछा जाएगा dy / dx बताइए। तो ऐसे सवाल में क्या करते हैं, यहां पर क्या है t, तो लिख देंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो हमें एक सवाल दिया गया है x बराबर a t स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर मेन कौन है, t है, और आपने फॉर्मूला भी देख सकते हो, t है मेन, ठीक है। तो x बराबर हमें वैल्यू दी गई है a t स्क्वायर, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, यहां जो होगा इसके सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो x बराबर एक वैल्यू थी a t स्क्वायर और इसका हम t के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, तो क्या आएगा, ये है आपका आएगा d अपॉन dt, और यहां क्या है x, यानी dx अपॉन dt, d
अपॉन डी टी, और यहाँ क्या है एक्स, तो ये हो गया dx अपॉन डी टी बराबर डी अपॉन डी टी, और यहां पर क्या है ए टी स्क्वायर। ठीक है, इसका किसके सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, इस x का हम t के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, तो dx अपॉन डी टी बराबर डी अपॉन डी टी ए टी स्क्वायर। ठीक है, a का कोई अवकलन नहीं होगा, ये बाहर आ जाएगा क्योंकि t के सापेक्ष अवकलन हो रहा है, तो a बाहर d अपॉन डी टी, और यहां क्या है t स्क्वायर बराबर a। t स्क्वायर का आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा घात आगे, और एक कम करके लिख देंगे यानी कि 2t। ठीक है, तो आ जाएगा डी एक्स ओवर डी टी बराबर 2at, कितना आ गया ये 2at। ठीक है, दोबारा देख लीजिए, x बराबर एक वैल्यू दी गई है, इसका हम कर देंगे t के सापेक्ष अवकलन। ठीक है, x बराबर कोई वैल्यू दी जाएगी उसका कर दोगे आप t के सापेक्ष अवकलन, यहां पर t होगा। ठीक है, तो x बराबर दिया गया एक वैल्यू, उसका कर दिया हमने t के सापेक्ष अवकलन, ये कर दिया अवकलन डी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी डी अपॉन डी टी ए टी स्क्वायर, ए बाहर आ जाएगा डी अपॉन डी टी, टी का कर देंगे आपका अवकलन, ए रहेगा टी का अवकलन दो टी, तो ये हो गया दो ए टी, तो डी एक्स अपॉन डी टी कितना आ गया दो ए टी। अब ऐसे ही यहां पर क्या है बाई, इसका भी क्या करेंगे टी के सापेक्ष, इसका भी कर देंगे हम टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो इसका भी हम टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो क्या आएगा डी वाई बट्टे डी टी, यहां पर क्या आएगा यहां पर आएगा डी वाई बट्टे डी टी बराबर डी अपॉन डी टी, और कितना 2at, इसका भी अवकलन कर रहे हैं एक्स के सापेक्ष, तो dy अपॉन dt बराबर d अपॉन dt और 2at। अब 2a का तो कोई अवकलन होता नहीं है, तो ये आ जाएगा बाहर 2a और d अपॉन dt, यहां पर कितना है t, तो t आगे करेंगे तो 2a, तो ये 2a रहेगा, और t का अवकलन करेंगे t के सापेक्ष तो कितना आएगा 1, x का अवकलन कितना होता है x के सापेक्ष 1, ऐसे ही t का अवकलन t के सापेक्ष 1। ठीक है, तो dy अपॉन dt, dy अपॉन dt कितना आ गया dy अपॉन dt 2a। ठीक है, ध्यान लगाइए, हमने x की वैल्यू दी थी जिसका हमने t के सापेक्ष अवकलन करके ये आपकी वैल्यू निकाल दी, ये हो गया इसका t के सापेक्ष अवकलन 1, ये निकल आया। फिर ऐसे ही y बराबर एक वैल्यू दी थी, इसका भी t के सापेक्ष अवकलन कर दिया हमने, और यहां पर dy / dt ये वैल्यू निकल करके आ गई। ठीक है, अब मैंने क्या कहा था कि ये वाली इसका अवकलन करने पर जो वैल्यू आए, इसका अवकलन करने पर जो लास्ट में वैल्यू आए उसमें इसका भाग लगा देते हैं। ठीक है, या सीधे शब्दों में मैं कहूं अगर आप लोगों से, तो अब आपको आपके फॉर्मूले की जरूरत है। ठीक है, फॉर्मूला कंफ्यूजन है उसे मतलब डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है हमें, क्या निकालना है हमें dy अपॉन dx, अवकलन पूछा गया है, तो ऊपर क्या है ऊपर है बाई, तो क्या लिखेंगे dy बट्टे dt, पहले क्या लिखेंगे dy बट्टे dt अपॉन, ऊपर बाई है तो पहले क्या लिखेंगे dy बट्टे dt, तो dy बट्टे dt अपॉन dx बट्टे dt। इस फॉर्मूले पे ज्यादा ध्यान मत लगाओ, सीधे यहीं पे देख लो, तो क्या कहा था मैंने इसका एक x बराबर एक वैल्यू दी गई होगी इसका अवकलन कर लेंगे, y बराबर एक वैल्यू दी गई है इसका अवकलन कर लेंगे, y का अवकलन करके जो वैल्यू आई है उसमें x वाली का भाग लगा देंगे। ठीक है, तो dy बटे dx हमें निकालना है, अवकलन क्या होता है dy बटे dx, हमें वैल्यू चाहिए dy बटे dx की, तो dy बटे dx क्या होगा बराबर dy बटे dt अपॉन dx बटे dt। अगर आप लोग सही से ध्यान लगाएं तो हम क्या कर सकते हैं, चाहे तो dt से dt को कट कर सकते हैं, तो इससे वैल्यू किसकी निकल करके आएगी, वैल्यू निकल करके आएगी dy बट्टे dx की, पर ऐसा हम करेंगे नहीं। ठीक है, ऐसा हम करेंगे नहीं, तो dy बट्टे dx किसके बराबर आएगा dy बट्टे dt और dx बट्टे dt के। ठीक है, आगे करेंगे सवाल को, dy बट्टे dt इसकी वैल्यू क्या है, dy बट्टे dt की वैल्यू है 2a, तो ये रख देंगे हम 2a अपॉन की जगह अपॉन, आगे क्या है आपका, आगे है हमारा dx बट्टे dt, अब हम dx बट्टे dt की वैल्यू रखेंगे, तो dx बट्टे dt क्या है 2at, तो 2at, 2a से 2a कैंसिल हो गया 1 अपॉन t आ गया, तो dy बट्टे dx कितना आ गया 1 अपॉन t, यही हमारा आंसर है। ठीक है,
अब मैं आपको एक बार और क्लियर कर देता हूँ। देखिए एक बात और बता दूं, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इस तरह के सवाल पेपर में जरूर आते हैं, ठीक है। तो x बराबर एक वैल्यू दी जाएगी, y बराबर एक वैल्यू दी जाएगी, दोनों का t के सापेक्ष कर लेंगे हम अवकलन। एक वैल्यू निकल करके आएगी डी एक्स बट्टे डी टी, ठीक है, एक वैल्यू निकल करके आएगी टी वाई बट्टे डी टी। तो जो जो y वाली वैल्यू है इसको लिखेंगे ऊपर, और जो x वाली वैल्यू है उसको लिखेंगे नीचे। सीधी बात है, डी वाई बट्टे डी टी में डी एक्स बट्टे डी टी का भाग लगा देंगे। d अपॉन dx की वैल्यू निकालने के लिए हम dy अपॉन dx की वैल्यू निकालने के लिए dy अपॉन dx जो है इसकी वैल्यू निकालने के लिए dy बट्टे dt में dx बट्टे dt का भाग लगा देते हैं, और जो आता है वो आंसर होता है, ठीक है। अगर आप लोग ये भी करना चाह रहे हो कि मैंने शुरुआत में वो हटवा दिया था कि dy बट्टे dx का स्क्वायर निकालना है, तो सीधी बात है एक बट्टा t का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। वो कोई इतनी खास बात नहीं है, मेन कॉन्सेप्ट है, इसे समझना, ये समझिए आप, ठीक। तो ये होता है हमारा एग्जांपल है। अब हम करेंगे कुछ सवाल ताकि आपका कॉन्सेप्ट और बेहतर हो सके। अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 5.10 का पहला सवाल, जो कि है एक्स बराबर हमें दिया है, एक्स बराबर दिया है ए कॉस क्यू टी और वाई बराबर दिया है ए साइन क्यू टी, ठीक है। ये हमें सॉल्व करना है। तो जैसा कि मैंने पहला एग्जाम्पल लिया था वो इसीलिए लिया था ताकि इजी एग्जाम्पल था, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, ठीक है। अब आप लोगों का कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो चुका है। तो पहले लिखेंगे हम x बराबर a cos qt, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहां पर t है तो t के सापेक्ष अवकलन करना है, ठीक। तो लिख देंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। x बराबर a cos qt हमें वैल्यू दी है, x बराबर a cos qt हमें वैल्यू दी है t के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो इसका हम t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो कैसे करेंगे, d upon dt और x, तो dx upon dt बराबर d upon dt और ये है a cos qt। तो ये जो a है ये एक साइड में आ जाएगा क्योंकि इसका तो कुछ अवकलन है नहीं, d upon dt, ठीक है। आपका ये क्या है cos qt, तो इसे लिख सकते हैं हम cos t की पावर 3, ध्यान लगाइए इसे क्या लिख सकते हैं हम cos q की पावर 3। अब क्या है, हम एक बात जानते हैं कि हमारे पास cos t की पावर 3 का कोई फॉर्मूला नहीं होता, ठीक है। मैं फिर से बताता हूं, x बराबर cos qt था, t के सापेक्ष हम अवकलन करना है, तो ये लगा दिया हमने अवकलन, a को बाहर निकाल देंगे d अपॉन dt, और cos qt जो है उसे लिख दिया हमने cos t की पावर 3, ठीक है। क्यों लिखा है, क्योंकि cos qt का भी हमारे cos q की आपका cos qt का भी हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं होता है, और cos t की पावर 3 का भी हमारे पास अवकलन का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, ठीक है। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि इसका हम अवकलन डायरेक्टली नहीं कर सकते cos t का, तो क्या करेंगे, इसे मान लेंगे, लिख देंगे माना cos t बराबर, अब क्योंकि t तो यहां पहले से ही चल रहा है, तो अब क्या करेंगे आप, u मान लो, b मान लो, ठीक है, z मान लो, जो आपको अच्छा लगे वो मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो cos t बराबर हमने कितना मान लिया, u, cos t बराबर कितना माना है हमने, u, a से कुछ नहीं कहेंगे, a रहेगा, और d अपॉन dt क्या हो जाएगा, d upon dt, ये क्या मान लिया हमने, u की पावर कितनी, 3, ठीक है। सीधे सीधे ही हमने अवकलन लगाया है, a बाहर निकाल दिया क्योंकि इसका अवकलन नहीं होता, d upon dt, और cos qt को लिख दिया cos t की पावर 3। अब हमने मान लिया है कि cos t बराबर u, क्यों, क्योंकि cos t की पावर या cos x की पावर में ऊपर कुछ हो तो इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता, तो हमने मान लिया कि cos t बराबर u, तो a ये रहेगा, और d upon dt को हम क्या लिख देंगे, d upon du और du upon आपका dt, और इसकी जगह क्या आ गया, u, और इसकी पावर 3 है तो 3। इस तरीके से हमने सवाल यहां तक कर लिया। आगे बढ़ेंगे सवाल पर, देखिए तो a रहेगा, और u की पावर 3 का क्या होगा, घात आगे, और एक कम करके लिख देंगे, यानी कि u का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। a रहेगा, u की पावर 3 का क्या होगा, घात आगे, तो 3 आगे और एक कम करके लिखेंगे तो 3u स्क्वायर, d अपॉन dt, और यहां पर क्या है, यहां पर है u, u की वैल्यू क्या है, u की वैल्यू है cos t, ठीक है।
ए रहा, इसका अपकलन 3u² डी अपॉन डी टी रहेगा, और यू की वैल्यू क्या है, यू की वैल्यू है cos t, तो cos t लिख देंगे, ठीक है। आगे सवाल को करेंगे हम, तो 3au² लिख देंगे इसे, 3au² क्योंकि सभी गुणा में है, 3au² ये है हमारा dx अपॉन dt क्या है, 3au² और इसका अवकलन करेंगे d अपॉन dt cos t का, तो ये आ जाएगा गुणा में माइनस का साइन t, cos t का अवकलन क्या होगा, माइनस का साइन t। तो अब इसे हम सही से लिख लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 3au² साइन t। आगे सवाल वो करेंगे dx अपॉन dt बराबर माइनस 3au² अब u हमने माना था, u क्या है cos t, तो इसे लिख देंगे cos स्क्वायर t इंटू साइन t, ठीक है। मैं एक बार फिर से फिक्र कर देता हूं, cos t का अवकलन माइनस साइन t, माइनस जो है वो भाग एक साइड में आ जाएगा, माइनस 3au² साइन t, माइनस 3au² साइन t, 3a रहेगा, माइनस माइनस रहेगा, ठीक है। अब u किसकी जगह माना था हमने, u माना था cos t की जगह, तो u का स्क्वायर है, तो इसे लिख देंगे हम cos स्क्वायर t और इनटू में क्या आ जाएगा sin t, तो ये आ गया हमारा dx बटे dt की वैल्यू, ये किसकी वैल्यू आ गई, ये आ गई dx बटे dt की वैल्यू, तो एक हमारी जो वैल्यू है वो हमने निकाल ली है, ये आ गई। अब क्या करना है हमें, अब हमें y के पीछे दौड़ना है, y बराबर क्या है आपका, y बराबर है हमारा, y बराबर है a sin क्यूब टी। अगर आप लोग चाहें तो सिमिलरली भी इस सवाल को कर सकते हैं, ठीक है, पर अगर आप इसे ऐसे ही करिए, सिमिलरली भी आप सेम टू सेम कर देंगे, बस ज्यादा अंतर नहीं आएगा इसमें, तो टी के सापेक्ष अवकलन करने पर लिख देंगे, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो आ जाएगा dy बट्टे dt बराबर d अपॉन dt a साइन क्यूब टी। इस सवाल को आगे करेंगे तो a बाहर निकल आएगा, d अपॉन डी टी और आ जाएगा साइन t का लिख देंगे हम क्यूब, ठीक है, क्योंकि मैंने पहले कहा सिमिलरली कर सकते हैं आप इसे चाहे तो डायरेक्ट, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा क्विक कर रहा हूं, ठीक है। तो a जो है वो बाहर निकल जाएगा d अपॉन डी टी और साइन क्यूब t। अब फिर से हम एक बार जानते हैं कि हमारे पास साइन t की पावर कुछ भी हो इसका कोई अवकलन नहीं होता, तो मान लेंगे कि माना साइन t बराबर, हमने u पहले माना था तो इस बार मान लेंगे b, तो साइन t बराबर हमने कितना मान लिया है, b मान लिया है, ठीक है, तो साइन t बराबर कितना माना है हमने, b, तो a a रहेगा और d अपॉन dt को क्या लिख देंगे, d अपॉन dv और dv अपॉन dt, ठीक है। यहां तक उम्मीद है आपको सवाल समझ आ गया होगा, साइन टी की वैल्यू क्या है, साइन टी को हमने मान लिया है बी, क्यों, क्योंकि साइन टी की पावर 3 का हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं होता, तो साइन टी को हमने मान लिया बी, तो साइन टी बराबर क्या आ गया बी, तो ए रहेगा और डी अपॉन डी टी को क्या लिख देंगे हम, डी अपॉन डी टी को लिख देंगे डी अपॉन डीवी और डीवी अपॉन डी टी। अब ये क्या है, इसे माना क्या है हमने, ये वाली जो वैल्यू है इसे हमने क्या माना है, इसे माना है हमने वी, ये वाली वैल्यू क्या मानी है हमने वी, और वी की पावर कितनी है 3, ठीक है। आगे करेंगे तो a रहेगा इनटू, ये क्या है यू क्यू, बी की पावर तीन इसका अवकलन करेंगे तो घात आगे 3 आ जाएगा आगे, और ये हो जाएगा बी स्क्वायर, a रहेगा और b का क्यूब सॉल्व करेंगे तो पावर आगे 3 आ गए बी स्क्वायर, ठीक है, d अपॉन डी टी, और ये जो b है b की जगह वैल्यू लगा देंगे d अपॉन डी टी, और ये जो b है इसकी वैल्यू लगा देंगे, b की वैल्यू है साइन t। आगे करेंगे इस सवाल को देखिए, तो ये हम सॉल्व कर रहे हैं dy ओवर dt, तो dy ओवर dt बराबर क्या आ जाएगा 3ab² और साइन t का अवकलन करेंगे तो क्या आएगा cos t, साइन t का अवकलन क्या आएगा cos t बराबर dy बट्टे dt बराबर 3 रहेगा a रहेगा b स्क्वायर, यानी कि b की वैल्यू लगाएंगे, b बराबर क्या है साइन, तो
तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर टी, वी स्क्वायर है तो वी की वैल्यू क्या है साइन टी, तो साइन टी का हो जाएगा स्क्वायर साइन स्क्वायर टी और इनटू में आ गया आपका ये कॉस टी। ठीक है, फिर से क्लियर कर दूं, तीन ये तीन रहेगा, वी की वैल्यू थी साइन, तो आपका वी का स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर टी और इनटू में कॉस टी। ठीक है, इतना सवाल हमारा हो गया। अब ये क्या हो गया हमारा, ये हमारी वैल्यू निकल करके आ गई डी वाई ओवर डी टी। ठीक है, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है डी वाई बटे डी एक्स, हमें क्या सॉल्व करना है डी वाई बटे डी एक्स दिखाना है कितना आएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ऊपर लिख देंगे डी वाई बटे डी टी की वैल्यू, एक्स की एक वैल्यू अलग दे रखी थी तो एक्स का अवकलन करके हमने ये वैल्यू निकाल दी, वाई की अलग वैल्यू दे रखी थी तो वाई का अवकलन करके ये वैल्यू निकाल दी। अब हमें क्या निकालना है डी वाई बटे डी एक्स, तो पहले लिख देंगे डी वाई बटे डी टी और इसके नीचे क्या लिख देंगे डी एक्स बटे डी टी। ठीक है, आगे अब क्या है, डी वाई बटे डी टी इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है तीन ए साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी। ठीक, ध्यान लगाइए जरा, यहां पर डी वाई बटे डी टी की वैल्यू हमने क्या लगाई है, ये रही डी वाई बटे डी टी की वैल्यू लगानी है, ये हमने सॉल्व करी है तीन ए साइन स्क्वायर टी, तीन ए साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी अपॉन, अब लगाएंगे डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू, डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू क्या है माइनस थ्री ए कॉस स्क्वायर टी इंटू साइन टी। ठीक है, सवाल को समझ लीजिए जरा सही से, ऐसे हटा देते हैं इसका कोई मतलब नहीं है, सवाल हो गया सवाल। डी वाई डी टी की वैल्यू लगाएंगे ये आ गई, डी वाई डी टी की वैल्यू ये लिख दी हमने ऊपर, डी एक्स वर्टे डी टी की वैल्यू ये लिख दी हमने नीचे, एक बार करेक्ट कर लेते हैं, कोई चेक कर लेते हैं, कोई करेक्शन कर लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं, थ्री ए थ्री ए साइन स्क्वायर टी कॉस टी। ठीक है, माइनस थ्री ए कॉस स्क्वायर टी और साइन टी। ठीक है, सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए तीन से तीन कट जाएगा, ए से ए कट जाएगा, साइन टी से एक स्क्वायर ये स्क्वायर कट जाएगा और कॉस टी से ये स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, तो आप ध्यान लगाइए ऊपर कितना रह गया, ऊपर रह गया सिर्फ साइन टी, ऊपर क्या रह गया साइन टी और अपॉन में नीचे क्या रह गया, नीचे रह गया माइनस कॉस टी। ठीक है, साइन बट्टे कॉस बराबर होता है टेन के, तो साइन टी अपॉन कॉस टी ये क्या हो जाएगा टेन टी, साइन टी अपॉन कॉस टी ये क्या हो जाएगा टेन टी और साथ में चल रहा है माइनस, तो यहां पर आ जाएगा माइनस, यही हमारा आंसर है। तो सीधी बात है, एक्स बराबर एक वैल्यू दे रखी होगी उसका हम अवकलन कर लेंगे, वाई बराबर एक वैल्यू दे रखी होगी उसका अवकलन कर लेंगे, जो वाई वाली वैल्यू है उसके नीचे एक्स वाली वैल्यू का भाग लगा देंगे और जो आएगा वो हमारा आंसर है। तो यही हमारा आंसर है। अब हम देखेंगे अगला सवाल, अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 5.10 का दूसरा सवाल, जहां पर एक्स बराबर हमें दिया गया है एक्स बराबर ए टी माइनस साइन टी और वाई बराबर दिया गया है ए एक माइनस कॉस टी। तो वही है कि दोनों को अलग अलग सॉल्व करना है, तो एक्स बराबर ए टी माइनस साइन टी, तो पहले तो ए का दोनों में गुणा कर देते हैं, तो एक्स बराबर आ जाएगा ए टी माइनस ए साइन टी, तो ये हमारा आ गया। इसके बाद क्या करेंगे, सीधी सीधी सी बात है, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो इसका हम टी के सापेक्ष क्या करेंगे अवकलन, टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे आ जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी बराबर डी अपॉन डी टी ए टी माइनस डी अपॉन डी टी ए साइन टी। अब आपको बताने की जरूरत नहीं है कि अवकलन डायरेक्ट ही आप बांट सकते हैं अलग अलग, ठीक है, दोनों माइनस में अवकलन आए हैं तो डायरेक्ट अलग अलग बांट दिया, डी अपॉन डी टी ए टी माइनस डी अपॉन डी टी ए साइन टी। ठीक है, क्योंकि ए का कोई मतलब नहीं है तो ए को एक साइड में देंगे, ए डी अपॉन डी टी और आ जाएगा टी माइनस, ए का फिर से कोई मतलब नहीं है, डी अपॉन डी टी और यहां पर क्या है आपका साइन टी, ए को ए रहने देंगे और टी का अवकलन क्या आएगा एक, ए को ए रहने देंगे टी का अवकलन एक माइनस की जगह माइनस ए ए रहेगा और साइन टी का अवकलन, साइन टी का अवकलन होता है कॉस टी। ठीक
ठीक है। अब ए का एक बार पहाड़ा पढ़ेंगे, ए एकम ए माइनस ए कॉस टी, तो ये है हमारा डी एक्स अपॉन डी टी। तो डी एक्स अपॉन डी टी, अब आप देख सकते हैं इन दोनों में से हमें ए कॉमन मिल रहा है, तो ए एक माइनस कॉस टी, तो इन दोनों में से ए कॉमन ले लिया, तो अब ए कॉमन चला गया, तो यहां एक माइनस कॉस टी, एक माइनस कॉस टी, तो ये किसकी वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई हमारे डी एक्स अपॉन डी टी की। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, अब हमें निकालनी है डी वाई अपॉन डी टी की। तो अब हम ले लेंगे वाई वाली वैल्यू, वाई बराबर क्या है ए एक माइनस कॉस टी, ठीक है। तो अब फिर से वही करेंगे कि टी के सापेक्ष अवकलन करने पर डी वाई अपॉन डी टी बराबर ए, ए को मैं भारी छोड़ देता हूं, डायरेक्ट डी अपॉन डी टी को बांट देता हूं, डी टी एक माइनस डी अपॉन डी टी कॉस टी, ठीक है। कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग, डायरेक्ट बताता हूं, ठीक है। तो क्या करेंगे, सीधे सीधे पहले से सॉल्व कर लेंगे सही तरीके से, y बराबर a का एक में गुणा करेंगे a, a का इसमें करेंगे तो a cos t, ठीक है। तो y बराबर a का एक में a, माइनस की जगह माइनस, और a का इसमें करेंगे cos t में तो a cos t, ठीक है। फिर इसके बाद में क्या करेंगे, t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो आएगा dy अपॉन dt बराबर d अपॉन dt a, अब अवकलन को डायरेक्ट मान रहे हैं, माइनस d अपॉन डी टी ए कॉस टी, आगे करेंगे तो यहां पर t के सापेक्ष अवकलन हो रहा है और यहां पर क्या है a, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी जीरो, माइनस a को निकाल देंगे हम बाहर d अपॉन डी टी और ये क्या है आपका कॉस टी, आगे करेंगे तो जीरो का मतलब नहीं, हटा देते हैं माइनस a गुणा में, अब क्या है यहां पे गलती से हो गया टी, ठीक है। ए का जीरो माइनस लिया माइनस, ए को बाहर निकाल देने इसका अवकलन नहीं होता, डी अपॉन डी टी और कॉस टी आ गया, ठीक है। जीरो को हटाई देंगे मतलब नहीं है, माइनस ए, अब कॉस टी का अवकलन करेंगे तो क्या आएगा माइनस साइन टी, ठीक है, माइनस ए माइनस ए रहेगा, कॉस टी का अवकलन माइनस साइन टी, ठीक है। ए का माइनस ए का माइनस साइन टी से करेंगे तो आ जाएगा ए साइन टी, ये वैल्यू है आपके डी वाई ओवर डी टी की, ठीक है। मैं एक बार फिर से बता देता हूं, माइनस ए का माइनस साइन टी में करेंगे तो ए साइन टी आ जाएगा, तो डी बटे डी टी कितना आ गया, डी वाई बटे डी टी आ गया हमारा ए साइन टी, ठीक है। अब करेंगे इसे आगे, तो हमें क्या निकालना है, डी वाई बटे डी एक्स निकालना है, तो पहले आएगा क्या डी वाई बटे डी टी की वैल्यू, पहले dy बटे dt ये वाली वैल्यू अपॉन में dy बटे dt dy बटे dx बटे dt, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, तो पहले क्या करेंगे हमें निकालना है किसकी वैल्यू, dy बटे dx की वैल्यू निकालनी है, तो पहले क्या y वाला पोर्शन यानी dy बटे dt, तो पहले लिख देंगे dy बटे dt अपॉन, इसके बाद लिखेंगे इस वैल्यू को dx अपॉन dt, ठीक है। फिर से क्लियर कर देता हूं, dy अपॉन dt का मान हमें निकालना है, तो पहले लिखेंगे dy, सॉरी dy बटे dx का हमें मान निकालना है, तो पहले लिखेंगे dy अपॉन dt, फिर लिखेंगे dx अपॉन dt, ठीक है। तो dy अपॉन dt ये रही dy अपॉन dt की वैल्यू, ये कितनी है आपकी, ये है आपकी a sin t, ठीक है। dy अपॉन dt की वैल्यू निकालनी है, तो dy अपॉन dt की हमने कितनी निकाली थी, a sin t अपॉन की जगह अपॉन dx अपॉन dt, ये कितनी है dx अपॉन dt, a एक माइनस कॉस टी, ठीक है। तो सीधी सीधी सी बात क्या आ गई, डीवाई अपॉन डी टी अपॉन डीएक्स अपॉन डी टी, डीवाई अपॉन डी टी की वैल्यू हमने ये रख दी, डीएक्स अपॉन डी टी की वैल्यू हमने ये रख दी, तो ए से ए कट जाएगा, आगे आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर साइन टी अपॉन एक माइनस कॉस टी, ठीक है। यही हमारा आंसर है, चाहे तो आप लोग यहां पर एक को काट करके से ए वाई टू के अंदर भी आंसर को ला सकते हैं, ठीक है। मैं यहीं पर छोड़ रहा हूं, यही आपका आंसर है, चाहे तो आप इसको आगे और सॉल्व भी कर सकते हैं। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 5.10, इस एक्सरसाइज को हम यहीं खत्म करते हैं और आगे बढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.11 की ओर।
इस एक्सरसाइज में सिंपल यही कॉन्सेप्ट है कि x बराबर आपको एक अलग वैल्यू दे दी जाएगी, y बराबर आपको एक अलग वैल्यू दे दी जाएगी, दोनों का अलग अलग अवकलन करिए, y वाला पार्ट का जो अवकलन आए उसमें x वाले पार्ट का भाग लगा दीजिए अवकलन करके। यही आपके एक्सरसाइज 5.10। अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 5.11।